कलेक्टिव बार्गेनिंग कलेक्टिव माने ग्रुप एक्शन थ्रू रिप्रेजेंटेशन ठीक है कलेक्टिव माने ग्रुप ग्रुप की तरह कलेक्टिवली बारगेन करना नेगोशिएट करना सौदा करना ये कलेक्टिव बारगेनिंग होता है तो जैसे बहुत सारे वर्क वर्कमैन हैं वर्कर्स हैं वो कलेक्टिवली अगर कोई एक्शन लें कलेक्टिवली जैसे ट्रेड यूनियन बना के ट्रेड यूनियन उन्हें रिप्रेजेंट करेगी और ट्रेड यूनियन उनकी तरफ से कोई एक्शन ले या बार्गेन करे ठीक है तो बार्गेनिंग क्या होता है नेगोशिएटिंग सौदा करना प्रपोजल्स देना काउंटर प्रपोजल्स देना ऑफर्स देना काउंटर ऑफर्स देना तो कलेक्टिवली बारगेन करना कलेक्टिव बारगेनिंग तो कलेक्टिव बारगेनिंग मीन्स कलेक्टिव नेगोशिएशंस ग्रुप बना के नेगोशिएशन करना बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉज़ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में थ्रू देयर ट्रेड यूनियंस ओके उनके ट्रेड यूनियंस के थ्रू आपस में बारगेन करना रिलेटिंग टू देयर वर्क सिचुएशन लाइक पे बेनिफिट्स आर्स लीव हेल्थ हेल्थ सेफ्टी पॉलिसीज़ ओके इन ये वर्क सिचुएशन जो हैं जैसे पे से रिलेटेड नेगोशिएशन करना बेनिफिट्स से रिलेटेड कितने आवर्स ऑफ वर्किंग होगी उससे रिलेटेड लीव से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड सेफ्टी पॉलिसी रिलेटेड इन इश्यूज पे आपस में नेगोशिएशंस करना कलेक्टिवली यह कलेक्टिव बारगेनिंग कहलाती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की सक्सेस डिपेंड करती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है आपसी समझ क्या है और गिव एंड टेक प्रिंसिपल्स थोड़ा आप हमारी बात माने थोड़ा हम आपकी बात मानेंगे ठीक है इसमें नो थर्ड पार्टी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी केवल नेगोशिएशंस होते हैं वेपन्स ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग इसका मतलब क्या हुआ जैसे वर्कर्स होते हैं उनके पास वेपन है स्ट्राइक करने का ऐसे ही एम्प्लॉयर होता है एम्प्लॉयर के पास वेपन है लॉकआउट का।, का अब वर्कर को पता है कि एम्प्लॉयर के पास लॉकआउट का वेपन है इसलिए इससे अच्छा है आपस में नेगोशिएशन कर लें और एम्प्लॉयर को पता है कि वर्कर्स के पास स्ट्राइक का वेपन है तो स्ट्राइक और लॉकआउट में जाएं बिना बात में नुकसान हो उससे अच्छा है आपस में नेगोशिएशंस कर लें इसलिए वर्क वेपन्स ऑफ स्ट्राइक और, और लॉकआउट जब इन दोनों को आपस में पता है कि एक दूसरे के पास ये वेपन्स हैं इनका यूज़ कर सकते हैं इसलिए यह बात स्टमुलेट करती है कलेक्टिव बारगेनिंग की प्रोसेस को कि कलेक्टिवली बारगेनिंग हो जाए वही अच्छा है तो ये था कलेक्टिव बारगेनिंग एक बार क्विक समरी देखते हैं कलेक्टिव माने ग्रुप एक्शन थ्रू रिप्रेजेंटेशन बारगेनिंग माने नेगोशिएशंस, नेगोशिएटिंग, ओके जैसे प्रपोजल्स देना काउंटर प्रपोजल्स देना ऑफर्स देना काउंटर ऑफर्स देना तो कलेक्टिव बारगेनिंग क्या हुआ कलेक्टिव बार्गिनिंग हुआ कलेक्टिव नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉज थ्रू देयर ट्रेड यूनियंस रिलेटिंग टू देयर वर्क सिचुएशंस उनकी वर्क सिचुएशन से रिलेटेड ये नेगोशिएशंस होती हैं जैसे पे कितनी होनी चाहिए बेनिफिट्स क्या क्या होंगे आर्ट्स कितने होंगे वर्किंग लीव हेल्थ सेफ्टी पॉलिसीज से रिलेटेड ये सारी नेगोशिएशंस होते हैं कलेक्टिव बार्गेन की सक्सेस डिपेंड करेगी म्यूचुअल आप आपसी समझ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की और ये डिपेंड करती है गिव एंड टेक प्रिंसिपल से थोड़ा हम आपकी बात माने थोड़ा हम आप हमारी बात मानो एक दूसरे की बात मानेंगे तभी अच्छा रहेगा नो थर्ड पार्टी इन्वॉलमेंट कोई थर्ड पार्टी नहीं होती इनके आपस का ही इन्वॉलमेंट होता है कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती वेपन्स ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग जब पता होता है वर्कर्स और एम्प्लॉज़ को कि एक दूसरे के पास स्ट्राइक और लॉकआउट के ऑप्शन हैं इनको यूज नहीं किया जाए इसलिए इस अच, इससे अच्छा है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लिया जाए नेगोशिएशन्स कर लिए जाएँ तो ये हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग अगला देखेंगे हम अथॉरिटीज़ एंड मशीनरीज फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नेक्स्ट वीडियो में